मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। आज की इस वीडियो में हम आपको उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान के बारे में बताएंगे। नुसरत फ़तेह अली ख़ान 13 अक्टूबर 1948 को पैदा हुए और इनका इंतकाल 16 अगस्त 1997 को हुआ। ये एक पाकिस्तानी गुलूकार, नगमा निगार और म्यूज़िक डायरेक्टर थे। वो बुनियादी तौर पर कवाली के गुलूकार थे, सूफी अकीदत के मौसीकी की एक शक्ल जिसे अक्सर शहनशाह कवाली यानी कवाली के बादशाहों का बादशाह कहा जाता है। इन्हें न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी नस्ल का सबसे बड़ा कवाली गुलूकार समझा है। उन्हें 2016 में एलए वेकली ने अब तक का चौथा अजीम तरीन गुलूकार करार दिया था। वो अपनी आवाज़ की सलाहियतों के लिए जाना जाता था और वो कई घंटों तक आला सतह पर परफॉर्म कर सकता था। नुसरत फ़तेह अली ख़ान को कवाली मौसीकी को बैनुल अक़वामी सामईन तक मुतारिफ कराने का सेहरा बड़े पैमाने पर जाता है। वो हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी में भी माहिर थे। लायलपुर फैसलाबाद में पैदा होने वाले नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने अपनी पहली अवामी कारकर्दगी 15 साल की उम्र में अपने वालिद के चेलम में पेश की। वो 1971 में ख़ानदानी कवाली पार्टी के सरबराह बने और सरगम ख्याल और ताल के अपने मुनफरद अंदाज को अपने ख़ानदान की मीरास में ले आए। इन पर ओरिएंटल स्टार एजेंसी बर्मिंगम इंग्लैंड ने 1980 की दहाई के अवाल में दस्तखत किए थे। नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने यूरोप, हिंदुस्तान, जापान, पाकिस्तान और अमेरिका में फिल्मी स्कोर्स और एल्बम रिलीज़ किए। वो मगरबी फनकारों के साथ तावन और तजर्बात में मसरूफ़ रहे और एक मशहूर आलमी म्यूज़िक आर्टिस्ट बन गए। उन्होंने 40 से ज़्यादा ममालिक में परफॉर्म किया। कवाली मौसीकी को मकबूल बनाने के अलावा उन्होंने असली जनूबी एशियाई मकबूल मौसीकी पर भी गहरा असर डाला, जिसमें पाकिस्तानी पॉप, हिंदुस्तानी पॉप और बॉलीवुड मौसीकी शामिल हैं। नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने अपने चचा मुबारक अली ख़ान की वफ़ात के बाद ख़ान ख़ानदानी कवाली पार्टी के बाज़ाब्ता रहनुमा बन गए और पार्टी नुसरत फ़तेह अली ख़ान मुजाहिद मुबारक अली ख़ान एंड पार्टी के नाम से मशहूर हुई। कवाली पार्टी के रहनुमा के तौर पर ख़ान की पहली अवामी कारकर्दगी रेडियो पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम सालाना म्यूज़िक फेस्टिवल के एक हिस्से के तौर पर नशर होने वाले स्टूडियो रिकॉर्डिंग में की गई थी, जिसे जश्न बहारा कहा जाता है। नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने बुनियादी तौर पर उर्दू और पंजाबी और कभी कभार फारसी, बुर्ज भाषा और हिंदी में गाया। पाकिस्तान में उनका पहला बड़ा हिट गाना हक अली अली था, जिसे रवायती अंदाज और रवायती साज के साथ साथ पेश किया गया। गाने में नुसरत फ़तेह अली ख़ान के सरगम इम्प्रोवाइजेशन का रोका इस्तेमाल दिखाया गया था। मौसम गर्मा में नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने लंदन में वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक आर्ट्स एंड डांस फेस्टिवल में परफॉर्म किया। उन्होंने 1985 और 1988 में पेरिस में अपने फ़न का मुजाहरा किया। जापान फाउंडेशन की दावत पर 1987 में पहली बार जापान का दौरा किया। उन्होंने जापान में 5वीं एशियाई रवायती परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल में परफॉर्म किया। उन्होंने 1989 में ब्रुकलिन एकेडमी ऑफ म्यूज़िक न्यूयॉर्क में भी परफॉर्म किया, जिससे उन्हें अमरीकी सामईन से दाद हासिल हुई। नुसरत फ़तेह अली ख़ान 1992 से 1993 के तालीमी साल में यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन सेटल वाशिंगटन रियासतहाए मुतहदा में एथनोम्यूज़िकोलॉजी के शोबा में विजिटिंग आर्टिस्ट थे। 1988 में नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने पीटर गैब्रियल के साथ द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट के साउंड ट्रैक पर काम किया, जिसकी वजह से ख़ान को गैब्रियल के हकीकी दुनिया के लेबल पर साइन किया गया। वो हकीकी दुनिया के ज़रिए रवायती कवाली के 5 एल्बम जारी करेंगे। उसके साथ मज़ीद तजर्बाती एल्बम मस्त मस्त, नाइट सॉन्ग और बाद अजमरे ग्रेमैक्स एल्बम स्टार राइज में भी शामिल थे। नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने कई पाकिस्तानी फिल्मों में गाने गाए और उनमें परफॉर्म किया। अपनी मौत से कुछ अर्सा कबल उन्होंने बॉलीवुड की 3 फिल्मों के लिए मौसीकी तरतीब दी, जिसमें फिल्म और प्यार हो गया, जिसमें उन्होंने मरकजी जोड़ी के साथ ऑन स्क्रीन कोई जाने कोई ना जाने और जिंदगी झूम कर के लिए भी गाया। उन्होंने कारतूस के लिए मौसीकी भी तरतीब दी, जहां उन्होंने आदित्य नारायण के साथ इश्क दारुतबा और बहा ना आंसू गाया। फिल्म की रिलीज से कुछ देर पहले ही उनका इंतकाल हो गया। बॉलीवुड के लिए उनके आखिरी म्यूजिक कंपोजिशन फिल्म कच्चे धागे के लिए थी, जहाँ उन्होंने उस शान करम का कहना गाया था। ये फिल्म उनकी मौत के 2 साल बाद 1999 में रिलीज़ हुई थी। बॉलीवुड के 2 गुलूकार बहनों आशा भोसले और लता मंगेशकर ने उन गाने गाए जो उन्होंने बॉलीवुड में अपने मुख्तसर दौर में बनाए थे। उन्होंने सनी देओल की फिल्म दिल्ली के लिए सैया भी साथ जब छोड़ जाए भी गाया। ये गाना ख़ान की मौत के 2 साल बाद 1999 में रिलीज़ हुआ था।
उन्होंने 2000 में रिलीज होने वाली बॉलीवुड फिल्म धड़कन का दूल्हे का सेहरा भी गाया। नुसरत फतेह अली खान ने 1997 के एल्बम वंदे मातरम में गाना अमन के गुरु का थामन किया, जिसे ए आर रहमान ने तरतीब दिया था और हिंदुस्तान की आज़ादी के 50वीं सालगिरह के मौके पर रिलीज किया गया था। बाद अजमर खराज अकीदत के तौर पर रहमान ने बाद में ग्रोस ऑफ पेस के नाम से एक एल्बम जारी किया, जिसमें नुसरत फतेह अली खान का अल्लाह हू शामिल था। फिल्म गुरु के रहमान का 2007 का गाना तरतीबी बिना भी खान को खराज तहसीन पेश करने के लिए तैयार किया गया था। नुसरत फतेह अली खान अपने बाद के सालों में ज़्यादा वजनी था। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उसका वजन 137 किलोग्राम से ज़्यादा था। उनके अमेरिकी लेबल अमेरिकन रिकॉर्डिंग के तर्जमान के मुताबिक वो कई महीनों से शदीद बीमार थे। जिगर और गुर्दे के मसाइल के इलाज के लिए अपने आबाई वतन पाकिस्तान से लंदन जाने के बाद उन्हें हवाई अड्डे से लंदन के क्रोवेन अस्पताल ले जाया गया, जहां वो 16 अगस्त 1997 को 48 साल की उम्र में अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए।